नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है और यह जो भी टेस्ट सीरीज है परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूरी तरह से टारगेट होगा यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी और आप सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आज पहली टेस्ट सीरीज है, पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, पहली टेस्ट सीरीज है आज। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आईएएस पीसीएस पाठशाला के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। हालांकि अक्षर आप लोग को बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से पीसीएस 2021 के आयोग की तर्ज पर है सारे के सारे प्रश्न। तो इसे बिल्कुल आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा और बिल्कुल इसे सीरियस में लीजिएगा। आज से प्रारंभ हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों। आइए पहली सीरीज है ये। देखिए दोस्तों, पहला है, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो कौन सी धातु का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो किस परमाणु खनिज का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं यूरेनियम का, यूरेनियम 235 से इसकी क्रिया कराई जाती है और उसके बाद विद्युत उत्पन्न होता है। तो रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग करके ईंधन का उपयोग किया जाता है और इससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो विकल्प ए जो है वह सही है, यूरेनियम। प्रश्न दो देखिएगा, लोलक की कालावधि समय समयावधि या कालावधि निर्भर करता है। तो लोलक आप जानते हैं कि लोलक ऐसे होता है और यहाँ पर ऐसे धागा होता है, ऐसे लोलक लटकता रहता है। तो इसकी जो कालावधि है, मतलब इसकी जो आपका आवर्तकाल है, ऐसे ऐसे लोलक होता है, तो इसका जो आवर्तकाल है या समयावधि है यह किस पर निर्भर करता है। तो चार विकल्प हैं आप लोग के सामने, विकल्प मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, आप विकल्प आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसमें लोलक की जो समयावधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर। तो विकल्प बी जो है वह सही है दोस्तों। प्रश्न तीन देखिएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश में। तो चुंबकीय सुई जो होती है यह आपकी उत्तर की ओर संकेत करती है, उत्तर की ओर संकेत करती है, विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न चार देखिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, नली में आर्गन गैस भी होता है, और आर्गन गैस होता है और एक और गैस होती है वाष्प से संबंधित, तो उसको जब गर्म किया जाता है तो नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश नली में कैसे उत्पन्न होता है, तंतु को गर्म करके। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न पाँच पे आइएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। तो देखिए, महासागर में जो जल तरंगें होती हैं, मतलब जल तरंग मतलब ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा जो आता है, एक बृहद ज्वार भाटा आता है और फिर लघु ज्वार भाटा आता है। तो जो बृहद ज्वार भाटा आता है महासागर में वह आपका पूर्णिमा के दिन आता है, पूर्णिमा को ही आपका बृहद ज्वार भाटा आता है। और जो लघु ज्वार भाटा आता है वह आपका सप्तमी और अष्टमी को आता है, सप्तमी और अष्टमी को आपका लघु ज्वार भाटा आता है, और पूर्णिमा को आता है दीर्घ ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा। तो देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं, तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर में बृहत ज्वार भाटा आता है दोस्तों। जो भी ज्वार भाटा की क्रिया होती है यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, लेकिन इसमें सबसे अहम योगदान जो होता है वह चंद्रमा का है, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आती है। हालांकि सूर्य से भी क्रिया होती है, लेकिन सूर्य से लेकिन चंद्रमा पर चंद्रमा से ज़्यादा होता है, और चंद्रमा से जो भी ज्वार भाटा आता है वह सूर्य से 2.17 गुना अधिक होता है, 2.17 गुना अधिक होता है, तो यहाँ चंद्रमा होगा। अगले प्रश्न पर आइएगा, प्रश्न नंबर छः देखिएगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, प्रश्न नंबर छः देखिएगा। तो कमरे को कैसे ठंडा किया जाता है, और पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस के छोड़ने से, या ठोस को पिघलाने से, या रसोई गैस से। तो कमरे को जो ठंडा किया जाता है यह आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे ठंडे होते हैं। और आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में भी संपीड़ित गैस का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में ही संपीड़ित गैस का भी प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, और वह जो संपीड़ित गैस होती है वह गैस होती है फ्रियान, जो कॉम्प्रेस्ड गैस होती है फ्रिज में वह होती है फ्रियान, और फ्रियान गैस ही आपका कूलर में भी होता है, यही गैस होता है फ्रियान।
तो यह जो होता है संपीड़ित गैस होता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जब संपीड़ित गैस को कमरे में छोड़ा जाता है तो कमरे ठंडा हो जाते हैं, तो विकल्प बी जो होता है वह सही है। एयर कूलर में भी आपका संपीड़ित गैस ही होता है, तो विकल्प बी जो है वह सही है आपका। और रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, वह गैस होती है फ्रियान, तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्रकाश में जो होते हैं 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग कैसे किया जाता है, तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो आप जानते हैं कि रंगों को अलग अलग किया जाता है प्रिज्म के माध्यम से। प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म ऐसे होता है, आप लोगों ने स्कूल टाइम देखा होगा। तो देखिए प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग किया जाता है और रंगों की जो संख्या होती है वह होती है 7। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है, एक एक प्रिज्म से रंगों को अलग कर किया जा सकता है, प्रिज्म से ही रंगों को अलग किया जा सकता है, तो विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 8 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है रासायनिक रूप से आपका कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट मतलब विकल्प ए। तो देखिए यह क्या है कि अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अर्ध जल योजित जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और इसका व्यापारिक नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो होता है इसका व्यापारिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है इसका व्यापारिक नाम है। तो यह सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसका जो सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो है Ca(SO4)·1/2HCO। यह है Ca(SO4)·1/2HTO, यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। पेट्रोलियम में होता है, पेट्रोलियम में क्या होता है, मतलब पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन प्राणवायु, उर्जन प्राणवायु, नत्रजन प्राणवायु या कार्बन उर्जन आदि। पेट्रोलियम में क्या होता है ये आप लोग को बताना है, तो इसमें विकल्प डी आपका सही है। पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन और उर्जन, इसको मैं व्याख्या के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। तो वायु में खुला छोड़ने पर जैसे ही यह होता है आपका तांबा, तांबा जो है आपका, तांबा को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इस पर हरे रंग की परत जम जाती है, और यह जो हरे रंग की परत होती है यही आपकी बेसिक कार्बोनेट होती है, बेसिक कार्बोनेट की हरे रंग की परत होती है जो तांबा जो होता है वायु में खुला छोड़ने पर यह आपकी परत जम जाती है, और उस परत को कहते हैं कापर कार्बोनेट। तांबा आदि जब अधिक समय तक वायु में रख दिया जाता है तो ऑक्सीजन एवं आर्द्रता को पानी अवशोषित करके बेसिक कापर कार्बोनेट बनाता है जिसका रंग होता है हरा। तो ध्यान में रखिएगा इसे, तो विकल्प ये जो है वो आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या है, तो इसमें आपका विकल्प डी जो होगा वह सही है आपका, विकल्प डी एथिलीन गैस। एथिलीन गैस, एथिलीन गैस जो होती है ईथर और एल्कोहल इत्यादि में विलेय होती है, ईथर में भी विलेय होती है और एल्कोहल में भी विलेय होती है। यह कोल एवं पेट्रोलियम गैस के साथ पाई जाती है, और इसके सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। एथिलीन गैस को अगर सूंघा जाता है अगर कोई व्यक्ति, तो वह मूर्छित हो जाता है, और यह ईथर और एल्कोहल इत्यादि में विलेय होती है। एथिलीन जो होती है बहुलीकीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है, बहुलीकीकरण की क्रिया द्वारा यह प्लास्टिक बनाती है, और सबसे बड़ा यूज इसका एथिलीन का ये होता है कि कच्चे फलों को पकाने में इसका यूज होता है। तो विकल्प डी जो है वह सही है आपका। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है वह क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए यह विस्फोटक है, और इसके अलावा यह क्या है। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो यह आपका एक रंगहीन तैलीय द्रव है, और इसका उपयोग जो होता है वह डायनामाइट बनाने में होता है, इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, और यह एक एस्टर है। एस्टर नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, यह एक प्रकार का एस्टर है, तो विकल्प डी जो होगा वह सही है आपका। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, विकास का कारण है, विकास का कारण क्या है, फॉसिल्स पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष,
या पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशानुगति। वंशानुगति तो विकास का कारण क्या है? तो इसका प्रश्न नंबर 13 का विकल्प सी है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन यही विकास का कारण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह डार्विन की पुस्तक थी, और इन्होंने जैसे 1859 में यह पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में उन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो इस प्रकार था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम के लिए उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन। यह इनका तीन प्रकार का सिद्धांत था और उनकी पुस्तक नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है यह आपका सही होगा, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से रतौधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौधी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से जो वृद्धि होती है, जो बच्चों की वृद्धि होती है वो वृद्धि तक रुक जाती है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए की कमी से सबसे बड़ा यह होता है कि इससे रतौधी नामक रोग होता है। एक बात और बता दूँ कि विटामिन बी और सी जो होता है वह वसा में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि बाकी जो ए डी ई के होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी और सी जो होता है यह आपका वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो यह चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और विटामिन ए को जो कहते हैं रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए का जो नाम है वह है रेटिनॉल ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 15 का देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 का बी सही है। प्रश्न नंबर 15 का बी सही है कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए, जो सामान्य जो लैंगिक विधि से जो संतान उत्पन्न होते हैं वह माता पिता से विभिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन क्लोन से जो उत्पन्न संतान होते हैं वह एकदम अपने माता पिता के समरूप होते हैं। समरूप होते हैं और क्लोन जो होते हैं वह अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है क्लोन। तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी जो है वह आपका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से आप लोग को हर सीरीज में कुल 15 प्रश्न मिलेंगे, और यह जो भी 15 प्रश्न होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के लिहाज से, तो इसे बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और UPPCS 2021 का अगर संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल अगर आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन हमारे जो भी मटेरियल हैं वह चार्जेबल हैं, और आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, आप लोग कॉल बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेंगे। और जो भी मटेरियल हैं दोस्तों चार्जेबल हैं, इसलिए जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे, फालतू लोग मत संपर्क करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है 8381 39 72 76 है, 8381 39 72 76। यह व्हाट्सएप नंबर जो है यह आपका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।